एलजी ने विराट एसी को लॉन्च कर दिया मार्केट में, जो 2023 का मॉडल है। लेकिन 2022 और 2023 के मॉडल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, 2023 के मॉडल में हमें 100% कूलिंग कॉइल, 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलता है। सेम वही चीज़ हम लोगों को 2022 के मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा, 100% कूलिंग कॉइल, 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों में हम लोग बात करें तो गैस के बारे में, तो सेम वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, R32 गैस आप लोगों को 2023 के मॉडल में भी देखने को मिलेगा और R32 गैस हमें 2022 के मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ आती है वो हमारा आता है वारंटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं वारंटी भाई, कि 2023 के मॉडल में हो सकता है एक्स्ट्रा वारंटी मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2023 के मॉडल में भी आप लोगों को सेम वारंटी उसी तरह से मिलेगा, 1 ईयर्स का वारंटी आपको प्रोडक्ट का मिलेगा, 5 ईयर्स का वारंटी आपको पीसीबी भी मिलेगा और 10 ईयर्स का वारंटी आपको कंप्रेसर में देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों में सेम सेम है, 2022 के मॉडल में भी और 2023 के मॉडल में। इसके अलावा जो हमारा एसी है 2023 के मॉडल में, वो ये बताता है कि हमारा जो रूम का साइज़ है 150 स्क्वायर फीट हो, मतलब 150 स्क्वायर फीट का रूम रहेगा तो इजली वो कवर कर जाएगा हम लोगों का 1.5 टन, मतलब 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट में इजली कवर कर जाएगा, जो 2023 का मॉडल ये बताता है। सेम वही चीज़ 2022 का मॉडल भी वही काम बोलता है, मतलब वही बताता है वही चीज़ कि हाँ भाई हमारा अगर 150 स्क्वायर फीट का रूम है 1.5 टन का एसी इजली वो कवर कर जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं है। तो दोनों में देखा जाए तो सेम सेम चीज़ है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स काफ़ी कमाल का है, जो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हाँ भाई ये जो 2023 का मॉडल है यहाँ पर ये चीज़ बेस्ट किया गया है कंपनी ने, तो वो क्या है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले कुछ और भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर जान जाओ, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, उसके बाद ही आप एसी को परचेज़ करना, ठीक है। तो उसमें जो आगे डिफरेंस वाला बात आता है वो हमारा ये आता है कि 2023 का जो मॉडल है वो 52 डिग्री टेम्परेचर जब भी रहेगा तब भी उसका कंप्रेसर इजिली रन करेगा, कहीं पर भी ट्रिप नहीं करेगा, उस समय भी आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा 52 डिग्री सेल्सियस तक में भी। सेम वही चीज़ हम लोग का 2022 वाले मॉडल में बोलता है भाई, 52 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब भी हमारा कंप्रेसर इजिली रन करेगा, कोई तरह का इशू नहीं आएगा। दोनों में आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है और इजिली हमारा रन करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2023 वाले मॉडल के बारे में, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाता है, काफ़ी कमाल का फीचर्स है। इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी आप एसी को परचेस करना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो ये, इसमें जो हमारा 6-in-1 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो क्या है। 6-in-1 का ऑप्शन का मतलब ये है जो हमारा जो कंप्रेशर है उसको हम इजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब कंप्रेसर को हम अपने हिसाब से रन करवा सकते हैं 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री या 100% के स्पीड से। इस तरह से हम लोग कंप्रेसर को अपने हिसाब से चला सकते हैं, जितने ज़्यादा हाई करेंगे उतने स्पीड से हमारा कंप्रेसर चलेगा और कूलिंग जल्दी से जल्दी रूम में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा 6-in-1 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी में आता है AI मोड, जिसको हम लोग प्रेस अगर कर देंगे तो कंप्रेसर हमारा हाई स्पीड में रन करेगा और रूम के हिसाब से कूलिंग करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेसर हाई स्पीड में चलेगा और जल्दी से जल्दी रूम में कूलिंग देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं AI मोड। ये काफ़ी कमाल का फीचर है, जो कि ऑटो मोड भी इसे हम कह सकते हैं AI मोड को। सेम वही चीज़ हम लोगों को मिलता है 2022 के मॉडल में, जिसे हम कहते हैं 5-in-1 का ऑप्शन, जो उसमें भी कंप्रेसर एडजस्ट हम लोग इजिली कर सकते थे। मतलब C1 आता तो हम लोग 40 डिग्री स्पीड से कंप्रेसर को रन करते हैं, C2 आता तो हम लोग 60 डिग्री स्पीड से कंप्रेसर को रन कर सकते थे। इसी तरह से सेम वही फीचर्स हम लोगों को 5-in-1 में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि AI मोड देता है जो कि हाई स्पीड में कंप्रेसर रन करता है, कूलिंग जल्दी से जल्दी रूम में देखने को मिल जाता है। लास्ट हमें जो स्पीड दिखता है 2023 के मॉडल है वो 110 के स्पीड से देखने को मिलता है, कुछ यही चीज़ हम लोगों को 2022 के मॉडल में भी देखने को मिल जाता है। लेकिन AI मोड में एक और फीचर है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, वो ये है कि अगर आपका गैस लीक हो जाता है, एग्जाम्पल में आप एक कस्टमर हैं, आप AC लगाए हुए घर पे और आपका गैस लीक हो जाता है, तो आप कैसे समझिएगा, आपको टेक्नीशियन को ही फ़ोन करना पड़ेगा, उसके बाद ही टेक्नीशियन बता पाएंगे हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि टेक्नीशियन को प्रॉब्लम पता है लेकिन आपको कुछ और भी चीज़ें बता देते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि आपका कुछ पैसा का लॉस भी होता है, मतलब प्रॉब्लम कुछ और है आपको बता दिए कुछ और। तो इससे बचने के लिए कंपनी ने बहुत अच्छा तरीके ये चीज़ इस्तेमाल किया जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। आपको CH38 देखा लिखा करके आ जाएगा डिस्प्ले में, CH38 डिस्प्ले में मेंशन किया हुआ है, जिसके वजह से आपको समझ में आ पाएगा कि हमारा गैस लीकेज का प्रॉब्लम है, इसलिए फिर आप टेक्नीशियन को बोल करके उसका काम आप करवा सकते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट आपको ये मिल रहा है आपको पता रहेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, गैस लीकेज का प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। इसमें एक और फीचर्स कंपनी ने बहुत बढ़िया किया है जो स्मार्ट डायग्नोस्टिक का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करते थे थिंक्यू एप्लीकेशन से, सेम उसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और मान लीजिए आपके एसी में कोई प्रॉब्लम आया तो टेक्नीशियन इजिली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इधर से समझ पाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये 2023 के मॉडल में काफ़ी बढ़िया चीज़ किया है, जो कि मुझे भी काफ़ी कमाल का लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है।
अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको दोनों एसी देखने को मिल जाएगा, 2022 के मॉडल में भी और 2023 के मॉडल में भी। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हेवी नहीं है, ऐसा नहीं है भाई कि आप 2023 के मॉडल में जा रहे हो लेकर के तो काफ़ी अच्छा फीचर्स मिलेगा, बस नॉर्मल सा फीचर चेंज किया है, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो आप अगर प्राइस के हिसाब से जाइएगा तो अभी इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको ही पता होगा ऑनलाइन में भी, और अगर 2022 का मॉडल में लोगे तो सारा चीज़ सेम मिलेगा, कुछ कुछ फीचर्स आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस मिल रहा है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, तो इसलिए आप 2022 के मॉडल को ले सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ जानकारी, ये कुछ डिटेल है जो मुझे आप लोगों को लगा था बताना ज़रूरी है। और इसमें एक और चीज़ है, 31 dB नॉइज लेवल है, जो कि दोनों इसी में सेम चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए बाकी इंस्टॉलेशन के लिए जो भी बॉक्स में हमें मिलता है दोनों में सेम मिलेगा, 2022 के मॉडल में भी और 2023 के मॉडल में। आप 2022 के मॉडल में भी जा सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप 2023 के मॉडल की तरफ इजीली जा सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं है। तो यही कुछ जानकारी है, कुछ डिटेल के बारे में मुझे बताना था आपने वीडियो में आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।